हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सोडियम बोरोहाइड्राइड। पिछले वीडियोस में हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस्ड करता है, बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स को, स्पेशली एल्डिहाइड और कीटोन्स, और जबकि वे सारे कंपाउंड्स भी रिड्यूस्ड होते हैं जिसमें सी डबल बॉन्डो ग्रुप पाया जाता है। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है सोडियम बोरोहाइड्राइड से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक हमारा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आज इसी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पेशली सोडियम बोरोहाइड्राइड होता क्या है कि इसमें सोडियम मेटल बोरेन से जो है जुड़ा हुआ होता है, और इस सोडियम बोरोहाइड्राइड को सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट भी कहा जाता है, जो एक टाइप का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्पेशली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज होता है। इट इज़ सम वॉट लेस रिड्यूसिंग एजेंट देन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड इट इज़ मोर सेलेक्टिव बिकॉज इट डज नॉट रिड्यूस ऑल द टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स सच एज कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइड्स, नाइट्राइल्स सम वॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट स्पेशली इट रिड्यूस्ड ओनली एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसाइल हैलाइड स्पेशली। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो जब सोडियम हाइड्राइड को ट्राईमिथॉक्सी बोरेन के साथ रिएक्ट कराया जाता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम मेथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो आइए इसके मैकेनिज्म पर हम प्रकाश डालते हैं। इट इज स्पेशली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम हाइड्राइड विथ ट्राईमिथॉक्सी बोरेन 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस तरह से आपने रिएक्शन में देखा कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। द रिएजेंट इज इनसॉल्युबल इन ईथर बट सॉल्युबल इन वाटर और एल्कोहल। इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है सोडियम बोरोहाइड्राइड की, वे होती है सॉल्युबिलिटी के आधार पे कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, अल्कोहल सॉल्युबल होता है, लेकिन ईथर इनसॉल्युबल होता है। इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोलिटिक सॉल्वेंट्स, जैसे वाटर और एल्कोहल के साथ भी इसे यूज किया जा सकता है। द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। स्पेशली जो इसके रिएक्शंस होंगे वो इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल के साथ ये जो है मालिक्यूल को रिड्यूस्ड करेगा। इट इज़ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड इज़ मच मोर सेलेक्टिव। इट रिड्यूसेस कार्बोनिल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी रिड्यूसेबल ग्रुप्स सच एज नाइट्रो एस्टर, कार्बोक्सिलिक, इपॉक्साइड, नाइट्राइल, डबल बॉन्ड, एक्सेट्रा विच रिमेन अनइफेक्टेड। इनका कोई इफेक्ट, ये इसको अफेक्टेड नहीं करता है, और इस तरह से बाकी को ये रिड्यूस कर देता है। डबल बॉन्ड्स आइदर आइसोलेटेड आर कंजुगेटेड आर नॉट अफेक्टेड, दैट मीन्स सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी को भी ये रिड्यूस्ड नहीं करता है, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, ये दोनों उसको रिड्यूस नहीं करते हैं। बट अगर कुछ इसकी रिएक्टिविटी एक्स्ट्रा देखी जाए तो वाटर सॉल्युबल शुगर्स कैन बी रिड्यूस्ड इन एक्वस मीडियम वेरी इजली इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो दिस इज द सम वाट कैरेक्टर्स ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। नाउ वी कम्स ऑन द टॉपिक ऑफ दियर मैकेनिज्म, हाउ दिस सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस द सी डबल बॉन्डो ग्रुप। इन दिस मैकेनिज्म यू सी दैट the mechanism is somewhat equivalent to lithium aluminium hydride, and this is type of nucleophilic addition because sodium borohydride containing four hydride ion, that is four hydrogen in the form of minus form. So all the when hydrogen is released from here, this released in the form of hydride ion H minus, and which ultimately attack on this carbonyl group and make this molecule anionic. So the reaction proceeds by compressing the oxygen atom of the carbonyl group with boron and simultaneous transfer of the hydride ion to the carbonyl group.
ऑल दी फोर हाइड्रोजन्स ऑफ द रिएजेंट्स आर ट्रांसफर टू फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट दैट मीन्स इन दिस रिएक्शंस फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट आर यूज थ्री आर हेयर एंड वन इज हेयर एंड सो दिस इज अल्टीमेटली रिड्यूस्ड इन अल्कोहल एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल दस ओवरऑल रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। तो इस रिएक्शंस में होता क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ये सबसे पहले इनिशियली ये अटैक करता है कहाँ पर, चूंकि ये मॉलिक्यूल्स आपका समवाट पोलर है तो ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो चूंकि ये समवाट पोलर है तो इसलिए ये डायरेक्टली अटैच्ड हो जाता है किससे, ऑक्सीजन एटम से। और ऑक्सीजन से अटैच्ड होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका हाइड्राइड आयन ये इस कार्बन पर डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करता है। इसे हम डायरेक्टली भी अटैक करा सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा फेजबल होता है, ईजी होता है। और इस तरह से जब हाइड्राइड आयन अटैक करता है इस कार्बन पर तो ये कार्बन आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाता है और BH3- Na+ यहाँ जुड़ जाता है। तो चूंकि इसी तरह से तीन सी डबल बॉन्ड ग्रुप जब हम लेंगे तो वन बाई वन ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ से अल्टीमेटली जो है वो एलिमिनेट, एक तरह से कहें तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ पर फार्मेशन होगा इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर यानी फोर सबस्ट्रेट्स आर यूज्ड ओवरऑल रिएक्शंस सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली दिस कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय द हाइड्रोलिसिस। सो ओवरऑल रिएक्शंस यू सा दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहलिक ग्रुप। सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। नाउ वी कम्स ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज द रिड्यूसिंग अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यू कंसिडर दिस इज द कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इन विच डबल बॉन्ड इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम आर यू कंसिडर सी डबल बॉन्ड हो। सी डबल बॉन्ड हो से या इस टाइप का इनोन टाइप का कंपाउंड होगा या इनल टाइप का कंपाउंड होगा लाइक दिस। हियर यू सी दैट लाइक दिस देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। दिस इज कॉल्ड कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज देर इज कंजुगेशन बिटवीन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। सो दिस इज कंजुगेटेड कार्बोनिक कंपाउंड। सिंस द रिडक्शन टेक्स प्लेस एट वन एंड टू पोजिशन ओनली वन एंड टू पोजिशन दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन सो दिस रिडक्शन इज कॉल्ड वन टू रिडक्शन। बट वेन द रिडक्शन टेक्स प्लेस एट दिस पोजिशन वन टू थ्री एंड एट दिस पोजिशन फ्रॉम हियर देन दिस इज कॉल्ड वन फोर रिडक्शन। सो एक्चुअली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दी अल्फा बीटा रिडक्शन ऑल्सो कॉल्ड वन टू रिडक्शन आर कंजुगेट रिडक्शन। सिंपली दिस इज कॉल्ड कंजुगेट रिडक्शन। द सबस्टेट इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल एंड इनोन आर इनल। ये आपका इनोन होता है या फिर ये आपका इनल होता है। वेन दीज सबस्टेट्स आर रिड्यूस्ड वन टू रिडक्शन विच प्रोड्यूस्ड एन एलाइल अल्कोहल is in competition with the 1,4 reduction which forms the saturated aldehyde or ketone। जैसे यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सीनोन का रिएक्शन दिखाया गया है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एक यहाँ पर देख रहे हैं साइक्लोहेक्सीनोल, दिस इज टाइप ऑफ एलाइल, यहाँ देखिए डबल सिंगल और AOH 1,2,3 साइक्लोहेक्सीनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरे वे में अगर देखा जाए तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये 1-2 अटैक करता है तो 0% ये एलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और 100% यहाँ पर देखिए इनॉल का फॉर्मेशन करता है। इनॉल जो है दिस इज द 100%, यहाँ इनॉल 100% फॉर्म होता है। लेकिन इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एलाइल टाइप अल्कोहल जो है साइक्लोहेक्सिनॉल 100% 1-2 अटैक के थ्रू फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ 0% इनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इन दोनों रिएक्शंस में सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ वाटर यूज़ किया गया है एज ए सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ मिथाइल अल्कोहल यूज़ किया गया है। तो हमने आपको बताया कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ये जो है अल्कोहल और वाटर सॉल्वल है, तो इसलिए ये अल्कोहल और वाटर के साथ मिलकर के बहुत बेटर रिएक्शन प्रोसीड्स करता है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो अगर इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से जैसे 1-2 ये 100% एलाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन 1-2 प्रोडक्ट अगर H2O का यूज़ करते हैं तो कैसे होता है। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड ये क्या होता है कि इसका हाइड्रोजन ये अटैक करता है इस कार्बोनिल पर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये ऑक्सीजन आपका निगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है कुछ ऐसे। और फाइनली क्या होता है कि फिर यहाँ चूँकि हम इस ग्रुप को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम यहाँ H2O यूज़ करते हैं, तो H2O हाइड्रोजन प्लस जो है वो बेटर, ये जो है एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है यहाँ OH ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और यहाँ इसको एलिमिनेट कर देता है। तो इस रिएक्शंस में आपने देखा कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो C डबल बॉन्ड C है, ये प्रभावित नहीं होता, स्पेशली दिस इज़ नॉट अफेक्टेड व्हेन वी यूज़ वाटर विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। नाउ कम्स ऑन द अदर टाइप ऑफ रिडक्शन सच एज नाइट्राइल रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो यू सा दैट इन बोथ द केसेज आइदर वी यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, बट देयर इज सम वाट डिफरेंसेज विच टेकन प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज वन गिव्स द फास्ट रिएक्शन, अदर गिव्स द स्लो रिएक्शन, बट मैकेनिज्म इज ओवरऑल इज नियर अबाउट इक्वल। सो हियर वी एक्सप्लेन ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट विच रिड्यूस द नाइट्राइल ग्रुप, स्पेशली दिस नाइट्राइल ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड एन इज कन्वर्टेड इन टू एनेमिन बाई द यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, बट देयर आर सम एन अदर टाइप ऑफ रिएजेंट विच रिड्यूस दिस नाइट्राइल ग्रुप इन टू एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सुटेबल रिएजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट दिस इज द एलिफैटिक नाइट्राइल विच रिएक्ट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड H2O एंड NaOH, यू कैन से दैट दिस इज S+ टेकन फ्रॉम द सोल्यूशन इज न्यूट्रल, दिस मीन्स सोल्यूशन इज न्यूट्रल, देर इज फॉर्मेशन ऑफ एमीन RCH2NH2, amine formation take place. Here benzonitrile, this is also reduced in benzyl amine by the use of lithium aluminium hydride in presence of ether and H2O. The mechanism of this reaction is given below. First of all, the hydride ion is moves on this carbon which is somewhat polar because nitrogen is more electronegative, so it attracts the electron towards itself and makes the carbon atom electron deficient, due to which this hydride ion attack at this position. And so there is, when this hydride ion attack at this position, this nitrogen becomes negatively charged and the proton released from water that attack at this position and they to form imine का फॉर्मेशन कर देता है।
यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है एमीन का, और पुनः उसी दशा में फिर से रिएक्शन होता है, फिर वही सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर आयोडाइन फिर एक बार इस कार्बन पर अटैक करता है और फिर यहाँ से ये बॉन्ड डीलोकलाइज होता है नाइट्रोजन की तरफ, फिर ये निगेटिवली चार्ज होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है और फिर वही वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर देखिए प्रोटॉन जुड़ जाता है और इस तरह से क्या फॉर्मेशन कर देता है एमीन का। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन क्रिएट करता है। तो इसी तरह से सारे रिएक्शंस आप देख सकते हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हो, चाहे वो एमाइड का रिडक्शन हो CONH2 का, चाहे वो एसिड हैलाइड का रिडक्शन हो RCOCl का, या फिर चाहे वो एस्टर का रिडक्शन हो RCOR का, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है। तो इसीलिए हमने पिछले वीडियोस में भी आपको कुछ कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन दिखाया था, तो ये समवट सेम प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से इन सारे मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन आप इसके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप इजीली करा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो है ये देता है, यानी इसके प्रेजेंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है रिड्यूस्ड होते हैं। जैसे ये आपने देखा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड एसिड क्लोराइड या अल्कोहल का रिडक्शन तो करता ही है, और साथ ही साथ ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हमारा एक पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन है उसका भी ये रिडक्शन करता है, और हेक्सेन 2,5 डाइऑल का फॉर्मेशन सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन होता है जब ग्लूकोज जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, तो फॉर्मेशन होता है सॉर्बिटॉल का। और जैसे हमारा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड लीजिए, जैसे सिनेमलडिहाइड है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सिनेमिल अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर देता है, और ये हमारा डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड होता है, सिंपली CHO ग्रुप इज रिड्यूस्ड होता है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे रिडक्शंस भी हैं, जैसे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू मेथिलीन ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप को ये मेथिलीन ग्रुप में भी कन्वर्ट करता है, R2CH2 में भी, R2C डबल बॉन्डो को R2CH2 ग्रुप में भी कन्वर्ट करता है। ये ओजोनाइट्स का भी रिडक्शंस देता है, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइट। तो अगर हम इसका थोड़ा सा आपको रिएक्शन दिखाएं, जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए अगर कोई साइक्लो एल्कीन लेते हैं और इस साइक्लो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं O3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ट्राई ओजोनाइट का। यू कैन ऑलरेडी नो इन केस ऑफ एल्कीन, हियर यू सी दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्राई ओजोनाइट। ये देखिए, ये है ट्राई ओजोनाइट इस तरह से। और ये ट्राई ओजोनाइट जैसे ही हम यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है आपका CH2OH, और इसको कहते हैं हेक्सेन 16 डाइऑल, दिस इज 16, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, दिस इज हेक्सेन 1,2-diol। तो इस तरह से ये ट्राई ओजोनाइट का भी रिडक्शन करता है। और कुछ कार्बन डबली बॉन्ड नाइट्रोजन का भी रिडक्शन करता है, जैसे कार्बन डबली बॉन्ड नाइट्रोजन, तो कार्बन डबली बॉन्ड नाइट्रोजन है, जैसे इमीन ग्रुप है आपका इमीन ग्रुप, तो ये आपका एमीन में कन्वर्ट कर देता है NaBH4, और यहाँ फॉर्मेशन होता है CHNH लाइक दिस। ये एमीन है, यानी ये इमीन है, IMINE, इमीन का भी रिडक्शन करता है एमीन में। और इस तरह से ये डाई बोरेन के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है,
और डाइजोनियम बोरोफ्लोराइड का भी रिडक्शन करता है, बहुत सारे ऐसे इसके इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं। और ये एजाइड का भी रिडक्शन करता है, एजाइड्स का, एजाइड जैसे आपने देख, एजाइड मीन्स दैट इज N3, सी डबल बॉन्डो N3। अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये इस एजाइड को एमीन में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ बन जाता है RnH2, देर इज फॉर्मेशन ऑफ एमीन। तो बहुत सारे ऐसे यूज़ हैं इस सोडियम बोरोहाइड्राइड के, बहुत ही यूज़फुल रिएजेंट है जो बहुत सारे कंपाउंड्स को ये रिड्यूस्ड करता है। तो आइए हम सेकेंड रिएक्शंस को देखते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। अगला रिएक्शन है हमारा रिएक्शन और विटिग रिएक्शन एफर्ट्स एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फास्फोरेन या सिंपली दैट इज कॉल्ड फास्फोरेंस। यानी कार्बोनिल कंपाउंड को विटिक रिएक्शन में होता क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्पेशली देयर इज कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरेन। फास्फोरेन इज एन इम्पॉर्टेंट रिएजेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड विटिक रिएजेंट। तो विटिक रिएजेंट दिस इज मिक्सचर ऑफ PH3 पी डबल बॉन्ड CH2। हेयर PH3 स्टैंड फॉर C6H5 फिनाइल ग्रुप, CH3 पी डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ द फिनाइल ग्रुप। एंड दिस इज ऑल्सो रिटेन इन द फॉर्म ऑफ समवॉट लाइक दिस PH3P+ एंड CH2-, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस, दिस कैन बी रिटेन इन दिस फॉर्म। दिस इज वेरी यूजफुल विटिक रिएजेंट विच इज यूज इन एल्कीन सिंथेसिस। इट इज प्रिपेयर्ड बाई द एक्शन ऑफ फिनाइल फॉस्फीन। जब फिनाइल फॉस्फीन का इसका प्रिपरेशन कराया जाता है कि जब फिनाइल फॉस्फीन को PH3 को एल्काइल हैलाइड के साथ सिंपली मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है PH3P और CH3Br का, लाइक दिस समवॉट, कुछ इस तरह से पोलर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और फाइनली यहाँ पर C6H5 लिथियम, एराइल लिथियम का यूज करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, PH3P+ CH2-, इस तरह से पोलर रिएजेंट में। और ये इंटर कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू प्लस माइनस इंटरेक्शन के थ्रू और यहाँ बनाता है PH3P डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस, दिस इज द फास्फोरेन। आइदर वी कंसिडर दिस इज द ट्राईफिनाइल फास्फोरेन ऑल्सो, दिस इज ट्राईफिनाइल फास्फोरेन एंड सम वाट C6H6 बेंजीन एंड बाई एज ए बाई प्रोडक्ट लिथियम ब्रोमाइड इज ऑल्सो फॉर। सो इन द एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन इज नेसेसरी ऑन द हाइड्रोजन बेयरिंग कार्बन, इट इज नेसेसरी टू द हाइड्रोजन बेयरिंग कार्बन। दिस फॉस्फोरेन आर ऑल्सो कॉल्ड एलाइट्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलाइट्स, फॉस्फोरेन इज ऑल्सो नोन एज एलाइट। सो वी कैन से दैट दिस विटिक रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एलाइट रिएक्शन आर एलाइट सिंथेसिस, एलाइट रिएक्शन सिंपली। इन एलाइड सिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अपोजिट फॉर्मल चार्जेज ऑन एसेंट एटम्स एज इन वन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हियर यू सी दैट दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरेन आर एलाइड, कि जिसमें कार्बन जो है निगेटिवली चार्ज होता है, फॉस्फोरस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। एज इन वन ऑफ द रेजोनेंस द मेथिलीन स्ट्रक्चर, दिस इज द मेथिलीन स्ट्रक्चर CH2 स्ट्रक्चर एंड दिस
फास्फोरस कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज हैज डी पाई पी पाई बॉन्ड बिटवीन फास्फोरस एंड कार्बन, देर इज द फास्फोरस एंड कार्बन, द सिलाइड में बी कंसिडर्ड एज कार्बन आयन स्टेबलाइज बाई एजेसेंट फास्फोनियम कैटायन. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कार्बन आयन स्टेबलाइज बाई कार्बन आयन स्टेबलाइज बाई द एजेसेंट एजेसेंट फास्फोनियम कैटायन फास्फोनियम कैटायन. दिस कार्बन आयन इज स्टेबलाइज बाई फास्फोनियम कैटायन. ये है आपका फास्फोनियम कैटायन, इसको कहते हैं फास्फोनियम फास्फोनियम कैटायन, और इसे कहते हैं कार्बन आयन. तो इस एलाइड में क्या होता है, दिस इज नॉट एस, दिस इज सिंपली वाई एल आई डी, वाई एल आई डी, दिस इज लाइट. सो इन दिस रिएक्शन द कार्बोनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली ट्रीटेड विद द एलाइड विद द इथरल सॉल्यूशन ऑफ द रिएजेंट. सम ईथर्स आर आल्सो यूज्ड एंड रिएक्शन इज कन्वर्टेड इन टू रिएक्शन प्रोडक्ट दैट इज एल्कीन लाइक दिस. नाउ वी कम एट द पॉइंट ऑफ दियर मैकेनिज्म. अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें, आइए हम देखते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर. तो मैकेनिज्म कई स्टेप इन्वॉल्व करता है और इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट टाइप का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं, और फिर फोर सेंटर्ड साइक्लाइज ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, और इसके बाद जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. द रिएक्शन प्रोबेबली प्रोसीड्स बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द एलाइड ऑन द कार्बोनिल कार्बन. तो सबसे पहले होता क्या है कि यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ प्लस पी डबल बॉन्ड सी एच टू पी एच टेकन थ्राइस. तो सबसे पहले यहाँ ये डबल बॉन्ड ये अटैक करता है कहाँ पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर. इस रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा. ये पॉजिटिव है, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा. तो ये यहाँ अटैक किया लाइक दिस, यानी ये कार्बन यहाँ आकर के जुड़ रहा, ये बॉन्ड जो है ऐसे हो जा रहा है. या इस रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस पी पी एच टेकन थ्राइस, इसको हम केटायन फास्फोनियम आयन बना दे रहे हैं, और यहाँ बना सॉरी देर इज सिंगल बॉन्ड सी एच टू माइनस, दिस इज सिंगल बॉन्ड, दिस इज नॉट ए डबल बॉन्ड. अब ये जो है एनायन अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन पर, और ये बॉन्ड अटैक करता है कहाँ, इस फास्फोनियम आयन पर, और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है ओ. ऑक्सीजन देखिए किससे जुड़ जाता है, फास्फोरस से, इनके इनके बीच में पी या हो गया सी लाइक दिस, एंड यह सी एच टू, और ये पी एच टेकन थ्राइस. कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है और इसे कहते हैं फास्फोनियम सॉल्ट. ये है स्पेशली हमारा फास्फोनियम सॉल्ट जब इनके बीच में इंटरैक्शन हो जाता है. तो यहाँ पर चूंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकिंग ये सब एक साथ दिखाया गया है, तो सीधे हम यहाँ पर आते हैं इसके इस स्टेज को कि जहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अटैक करता है, यानी इस स्टेज को ऐसे भी लिखा जा सकता है सिंपली बाय द एक्शन. इसको दिखाया जा सकता है, इस बॉन्ड को यहाँ डिलोकलाइज कराएं और अभी इस पर अटैक न कराएं, तो इसको लिखा जा सकता है ओ नेगेटिव सी, यहाँ आ गया पी प्लस पी एस थ्री
पी एच टेकन थ्राइस और यहाँ गया सी एच टू। अब यहाँ देखिए इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो डाईपोलर इंटरमीडिएट है, तो इनके इनके बीच में इंटरेक्शन होता है तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है एक बॉन्ड का। ये है मेरा बिटेन, बिटेन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट विच इज़ टेकन पार्ट ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ एल्कीन सिंथेसिस बाय विटिग्रियाजेंट। और फाइनली क्या होता है, ये दोनों समवाट इक्विवेलेंट है और इस तरह से ये जो बिटेन हमारा है ये कन्वर्ट हो जाता है फोर सेंटर्ड साइक्लिक इस ट्रांजिशन स्टेट में। और यहाँ पर फाइनली क्या होता है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होती है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है हमारा सी एच टू बॉन्ड ये ब्रेक होकर के यहाँ से आता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ये बॉन्ड यहाँ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ आता है ऐसे और यहाँ फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया, फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, तो यहाँ बन गया सी डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस ओ डबल बॉन्ड पी पी एच थ्राइस। ये है आपका एल्कीन, एल्कीन फॉर्मेशन। तो इस तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए, सिंपली अगर हम यहाँ देखें, अगर हम रिएक्शन के सेंटर पर जाएं, तो यहाँ दिखाया गया कि कार्बोनिल ग्रुप ये जो है इंटरैक्ट करता है एलाइड से डबल बॉन्ड पी पी एच टेकन थ्राइस। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन सी एच टू पर चला जाता है और सी एच टू ऑक्सीजन पर चला जाता है और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है सी डबल बॉन्ड सी एच टू और प्लस ओ डबल बॉन्ड पी पी एच टेकन थ्राइस। तो इसका ये सिंपल रिएक्शन है, ये हमारा एलाइड है और ये फॉर्मेशन करता है एक बिटेन इंटरमीडिएट और इस तरह से कन्वर्जन हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप का एल्कीन में। तो सिंस डिजायर एल्काइल ग्रुप्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द एल्काइल इन द कार्बोनिल ग्रुप एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बोनिल इज डिटैच्ड टू इंट्रोड्यूस्ड इन द फास्फीन ग्रुप। तो ओवरऑल रिएक्शन इज टेकन बाय दिस मैकेनिज्म। Now we comes on the application of this reaction. There is so many important application for this reaction and some of explained here. तो first of all कुछ ऐसे हमारे exocyclic methylene group होते हैं। exocyclic methylene group का मतलब होता है कि exocyclic, जब double bond ring के बाहर पाया जाए तो वो exo होता है और double bond ring के अंदर हो तो indo होता है, इंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक। जैसे एक मॉलिक्यूल है हमारा ऐसे, अगर यहाँ हम बॉन्ड लगा दें इस तरह से तो ये इंडोसाइक्लिक होगा इन द रिंग, और इसी को जब हम बाहर लगा दें तो ये एक्सोसाइक्लिक होगा दैट इज आउट ऑफ द रिंग। सो देयर इज मेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। तो देयर इज सम व्हाट सच टाइप ऑफ रिएक्टेंट विच इज ट्रीटेड विथ फॉस्फोरेंस सी एच टू डबल बॉन्ड पी पी एच टेकन थ्राइस दैट इज एलाइट, वी कैन से दैट एलाइट। तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड दिस ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एंड ओ डबल बॉन्ड पी पी एच टेकन थ्राइस। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो साइक्लिक मेथिलीन ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ये एक्सोसाइक्लिक मेथिलीन है और ये जो है साइक्लिक कीटोन है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा इसका बेस्ट एप्लीकेशन होता है कि प्रिपरेशन ऑफ बीटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड। अगर हमें बीटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन करना होता है तो इस रिएजेंट को हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट मेथड से हम फॉर्मेशन करा सकते हैं बीटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड का। इस कुछ हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे बीटा कैरोटीन है जिसे हम प्रो विटामिन ए भी कहते हैं,
तो प्रो विटामिन ए का जो है वो कन्वर्जन बीटा कैरोटीन में हो जाता है, या फिर जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ये सिंपली विटामिन ए की सिंथेसिस भी हम इस रिएक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। कुछ हमारे विनाइल हैलाइड्स हैं जिसकी सिंथेसिस इसके थ्रू कर सकते हैं। कुछ सिंथेसिस ऑफ ईथर्स भी है जो इस फास्फोरेन के थ्रू किया जा सकता है। तो सो देयर आर सो मेनी इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एलाइड दैट इज फास्फोरेन, आर वी कैन से दैट विटिक रिएजेंट। मेरा अगला रिएक्शन है मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग इनोलेट, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें इनोलेट का फॉर्मेशन हो। तो उसमें सबसे पहला जो है रिएक्शन आता है नोवेंजल रिएक्शन, जिसमें इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इनोलेट होता क्या है। इनोलेट होता है कि जब कार्बोनिल ग्रुप, स्पेशली हम कार्बोनिल जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, CH2 ग्रुप से जुड़ा हो, CH2 ग्रुप से, तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में टाटोमेराइजेशन होता है, टाटोमेरिज्म पाया जाता है। यानी इस कार्बन का ये हाइड्रोजन, अगर इसको हम इस तरह से कुछ दिखाएं तो ये बॉन्ड यहाँ अगर हम ले आएं और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाएं, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर इनके इनके बीच में क्या फार्म हुआ, ईन, और यहाँ ओलेट आयन है तो इसलिए इसे इनोलेट कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इनोलेट। तो इस तरह से जहाँ जिस किसी भी रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन के थ्रू, तो उसे कहा जाता है इनोलेट टाइप ऑफ रिएक्शन। और इस तरह का रिएक्शन स्पेशली नोवेंजल रिएक्शन में देखने को मिलेगा। और फाइनली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ रहता है वो ऑक्सीजन पे जाड़ के जुड़ जाता है और यहाँ बना लेता है इनॉल। तो एक तरह से ये क्या है, ये कीटो है और ये क्या है, इनॉल है। तो एक तरह से देखा जाए तो कीटो इनॉल, इसे कहते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टाटोमेरिज, टाटोमेरिज। इसमें एक्टिव मेथिलीन ग्रुप क्या होता है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होता है कि ऐसा मेथिलीन ग्रुप जो दोनों तरफ से फ्लैंक्ड हो, यानी घिरा हुआ हो दो सी डबल बॉन्डों से। ये ग्रुप जब CH2 ग्रुप इस तरह से घिरा हुआ हो, यहाँ इस CH2 ग्रुप को एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहते हैं, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। और ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और एनायन फॉर्मेशन करता है, एक हाइड्रोजन को रिलीज़ करके ये एनायन फॉर्मेशन करता है। तो स्पेशली नोवेंजल रिएक्शंस में जो रिएजेंट यूज़ होगा वो एक तरह से मेलोनिक एस्टर होगा, और उस मेलोनिक एस्टर में एक्टिव मेथिलीन ग्रुप पाया जाता है। तो मेलोनिक एस्टर है क्या कि CH2 सी डबल बॉन्डो, सी डबल बॉन्डो, COOR और COOR, ये जो है ये दो एस्टरी ग्रुप है, इसे कहते हैं मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर। तो ये रिएक्शन जो है ये समवाट कुछ मिलता जुलता रिएक्शन है, किससे, एल्डोल कंडेंसेशन से। जैसे आपने देखा होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज स्पेशली एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वह बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करके एल्डोल या कीटोल का फॉर्मेशन करता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो जो प्रोसेसिंग एल्डोल कंडेंसेशन फॉर्मेशन में होता है, सेम वही प्रोसेसिंग यहाँ भी होता है कि वहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन में जो हमारा प्रोटॉन रिलीजिंग है, प्रोटॉन रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, वो एक मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड का हम लेते हैं या एक मॉलिक्यूल जो कीटोन का लेते हैं CH3 के फॉर्म में, तो वहाँ CH3 से एक हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता, जैसे कुछ इस तरह से CH2H CO H, ये एल्डिहाइड है, या इसको हम इस तरह कीटोन के फॉर्म में लिखें COH CO CH3, चाहे ये लें चाहे ये लें। तो यहाँ जो बेस यूज होता है वो बेस यहाँ से प्रोटॉन एलिमिनेट करता है और यहाँ फॉर्मेशन करता है CH2 नेगेटिव चार्ज COH, ये कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इनोलेट फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगी, यहाँ जाएगा, और इस तरह से सेम प्रोसीजर यहाँ होता है कि यहाँ बेस, यही बेस यहाँ अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आता है।
तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो यहाँ बन जाता है कार्बन आयन CH2, CO, CH3। और ये जो कार्बन आयन बना, यही कार्बन आयन अगले कार्बोनिल यानी अगले मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल पर अटैक करता है और फिर अंडर डिहाइड्रेशन या फिर डिप्रोटोनेशन ये फॉर्मेशन कर लेता है एल्डोल या कीटोल का। तो सेम प्रोसीजर ये अप्लाई होता है नोवेंजल रिएक्शंस के लिए। इसमें होता क्या है कि इसमें जो हम स्पेशली बेस लेते हैं वो पाइराडीन बेस होता है या पिपरीडीन बेस होता है। इसमें हम एमीन भी ले सकते हैं, एनिलीन भी ले सकते हैं, टर्सरी एल्काइल एमीन्स भी ले सकते हैं, कोई भी एज ए बेस ले सकते हैं। और स्पेशली इसमें क्या है कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ये कहाँ अटैक करता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड पर इसका अटैक होता है। तो ओवरऑल अगर हम नोएंजल रिएक्शन को एक्सप्लेन करें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव मेथिलीन ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड नोएंजल रिएक्शन। द बेसिक कैटलिस्ट मे बी अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव या प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन्स हो सकते हैं जैसा कि हमने बताया, या फिर एनिलीन्स हो सकता है, या फिर आपका पायराडीन और पिपरीडीन हो सकता है। तो जो सबसे सोटाइबल इस केसेस में लिया जाता है वो होता है आपका पायराडीन या पिपरीडीन। अगर इसके रिएक्शंस को कुछ इस तरह से दिखाएं तो यहाँ हम लेते हैं C6H5CHO। हाँ, एक अंतर ज़रूर है इसमें, एल्डोल और कंडेंसेशन से एक डिफरेंसेज ये है, इसमें एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यानी ये किससे मिलता है फिर, ये तो मिलता है आपका कैनिजारो रिएक्शन से। तो दिस इज समवॉट रिसेम्बलिंग टू कैनिजारो टाइप ऑफ रिएक्शन, बट इट्स इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन इज बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन। इनिशियल स्टेज ओनली बेस कैटालाइज, जहाँ पर बेस जो है वो अटैक करता है मेथिलीन ग्रुप पर, वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके और कार्बन आयन बनाता है। ये स्टेज जो होता है थोड़ा सा एल्डोल कंडेंसेशन से मिलता है, लेकिन बाकी का जो रिएक्शन है वो कैनेजारो से मिलता है। क्योंकि कैनेजारो रिएक्शन में होता क्या है कि एल्डिहाइड आर कीटोन स्पेशली दोज टाइप ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी नॉट कीटोन, दोज टाइप ऑफ एल्डिहाइड ओनली विच लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज बेस कैटालाइज रिएक्शन टू फॉर्म एसिड एंड दियर रिस्पेक्टिव अल्कोहल एंड एसिड सो ऑन। सो नोवेंजल रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ मेलोनिक एस्टर, CH2CO टेकन ट्वाइस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग, जेंटल हीटिंग, देर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड दैट इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड। तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म में स्पेशली होता क्या है कि मैकेनिज्म हमारा कई स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो बेस हम यूज़ करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर टर्सरी एमीन्स को दिखाते हैं। टर्सरी एमीन NR3, ये जो हमारा बेस है, तो ये सबसे पहले रिएक्शन करता है एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड से जिसमें एक्टिव मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये देखिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को टेकअप कर लेता है और इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कार्बन के पास आ जाता है और इस तरह से फॉर्मेशन होता है R3NH+ CH- एंड CO(OR)2। ये देखिए यहाँ फॉर्मेशन हो गया कार्बन आयन। नाउ दिस कार्बन आयन अटैक ऑन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यही कार्बन आयन C6H5C(OH), इसके कार्बोनिल पर अटैक करता है CH
COR योग्यन नेगेटिव, ये देखिए यहाँ अटैक करता है ऐसे और ये बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज हो जाता है। और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज होता है तुरंत आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ बना लेता है C6H5 CO- H CH COOR एंड COOR, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है माइनस का। और पुनः यहाँ पर ये जो आपका ये रिएजेंट है ये R3NH+ ये यहाँ से प्रोटॉन रिलीज कर देता है और ये ऑक्सीजन हमारा पुनः अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है OH में और यहाँ बन जाता है C6H5 CCH COOR एंड COOR। ओके नाउ व्हाट हैपेंस, अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, इस हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ लिख दें कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर इसको जेंटली हीट करें तो होता क्या है कि यहाँ से देखिए यहाँ से एलिमिनेशन हो जाता है। किसका एलिमिनेशन हो जाता है? वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल सारे एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है अनसेचुरेशन C6H5 CH डबल डबल बॉन्ड COOR। यहाँ पर इसे पुनः हीट किया जाता है तो यहाँ से देखिए CO2 मॉलिक्यूल माइनस CO2, यहाँ से CO2 जो है और इसकी साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है सिनेमिक एसिड का। सिनेमिक एसिड, तो ये ओवरऑल रिएक्शन था नोवेंजल रिएक्शन का। और ये रिएक्शन दोनों तरह के एसिड बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, चाहे वह हमारा एलिफैटिक एसिड हो चाहे वो हमारा एरोमेटिक एसिड हो अनसेचुरेटेड, तो दोनों के लिए रिस्पांसिबल होता है। और ये दोनों तरह के एल्डिहाइड को, चाहे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, और दोनों तरह के एल्डिहाइड को जो है ये कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर स्टीरिक पर्पज़ से देखा जाए तो कीटोन जो होता है स्टीरिक पर्पज़ से एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए कीटोन रिएक्ट विथ कंपाउंड हैविंग पावरफुल एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। इसलिए जब हम कीटोन का रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे पावरफुल एक्टिव मेथिलीन ग्रुप हमें रखना होगा, जैसे इथाइल एस्टो एसीटेट है या साइनोएस्टिक एसिड है या फिर इसके एस्टर्स हैं, बट नॉट यूजली द मेलोनिक एस्टर फॉर विच स्ट्रॉन्गर बेसिस हैव टू बी यूज्ड। मेलोनिक एस्टर लेते हैं तो उसके साथ हमें स्ट्रॉन्गर बेस यूज़ करना होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन करता है एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का। दिस इज ए टाइप ऑफ कंडेंसेशन ऑफ रिएक्शन विच इन्वॉल्व इनोलेट, दैट्स ऑल।